प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रवाना होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर और उच्च स्तरीय कारोबारी समूह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज द लिमिट। हम लोग ये नहीं देख रहे कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर आल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन। आयुर्वेदा है, न्यूट्रोसिटिकल्स है, विटामिन है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ, तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। सिर्फ एक दो कंपनी ही इंपोर्ट करती थी इंडिया से, ज्यादातर तो लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है हम लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो जो मोदी की वजह से ही हो पाया है। ये सभी इंडियन के मन में यही बात है कि मोदी जी आएं और जहां के रिलेशन और अच्छे बने और बिजनेस और डेवलप हो।